चीन के जेमा में हुए दर्दनाक हादसे में 16 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार शहीद हुए 16 सैनिक कर्मियों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण शनिवार यानी आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर किया जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया में दोपहर करीब 12:30 बजे से 2 बजे के बीच शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया जाएगा। वहीं हुई इस दुर्घटना में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मालूम हो कि चीन से सटी LAC के करीब नॉर्थ सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए। वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि शुक्रवार को 3 आर्मी ट्रकों का काफिला नॉर्थ सिक्किम के छतेन से थांगो की तरफ जा रहा था। जेमा के करीब तीव्र मोड़ पर एक ट्रक फिसल कर सड़क से नीचे आ गिरा। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस ट्रक में कुल 20 लोग सवार थे। हादसे में 16 सैनिकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 GCO और 13 सैन्य रैंक के जवान थे। सेना के मुताबिक एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेस्क्यू मिशन को लॉन्च किया गया और 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सेना ने बयान में घटना पर दुख जताते हुए सैनिकों के शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है।